अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जवाहरलाल झा केस को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बड़ी मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि फिक्सेशन कौन कौन से जिला का हो चुका है। क्योंकि मुझे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी मिल रहा था कि मोहम्मद भाई फिक्सेशन कहाँ का हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरसा शिक्षक संघ की मीटिंग, मदरसा अंजुमन इस्लामिया किशनगंज के कम्युनिटी हॉल में मुनअक़िद। यहाँ पे जो मीटिंग हुई, मदरसा शिक्षक संघ और संस्कृत शिक्षक संघ दोनों के असातिज़ा किराम दोनों के लोग वहाँ पे शामिल थे। शोभा कांत भी थे और सैयद मुहिब्बुल हक साहब भी शामिल थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यकुम सितंबर यानी कि 1 सितंबर की मीटिंग हुई है। मोरखा 31 अगस्त 2024 दिन के 11 बजे बिहार मदरसा शिक्षक संघ की एक मीटिंग मदरसा अंजुमन किशनगंज के कम्युनिटी हॉल में जनाब अलहाज करामत हुसैन साहब की सदारत में मुनाकिद हुई। कहां पर ये मीटिंग हुई, तो देख सकते हैं कि मदरसा अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में ये मीटिंग हुई। मीटिंग का आगाज़ अलहाज हाफिज़ क़ारी मोहम्मद, यहां पे देख सकते हैं मुदर्रिस ने बाज़ाब्ते तिलावत कलाम पाक से हुआ। उसके बाद देख सकते हैं बैठक में 1128 मदरसा और 531 संस्कृत स्कूल के असातिज़ा का मोरखा यकुम मार्च 1989 से पाँचवा और यकुम अप्रैल 2007 से छठा पे टैक्सेशन का डिफरेंस, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के लिए बजट प्रोविज़न और स्पेशल डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन बिहार पटना के लेटर नंबर 1432 मुरखा 31 अगस्त 2024 के इस्लाह होने तक के। आपको पता है कि 31 अगस्त को बिहार के जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, उनकी तरफ से बजट को लेकर एक लेटर तैयार किया गया था। मैंने 21 अगस्त के बाद जो है मैंने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था कि इतना बजट जो है पास होने वाला है जवाहरलाल झा का। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि 21 अगस्त 2024 के इस्लाह होने तक बे, यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेशन ना करने और LPA 43/2016 के मुताबिक सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की तरह है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्सेशन कराने का फैसला लिया गया, यानी कि साफ साफ मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आपको पता है कि मदरसा और संस्कृत के असातिज़ा किराम का ये मांग है कि जिस तरीके से उस स्कूल के असातिज़ा किराम को, स्कूल के शिक्षक को जो सरकार जो है महंगाई भत्ता या फिर रिटायर्ड या फिर अलग अलग जो पेंशन जो देती है, सेम संस्कृत स्कूल के शिक्षक और मदरसा के असातिज़ा किराम को दे। इसीलिए आपको पता है कि पटना में केस भी किया गया था और आपको पता है कि पंचम एवं पष्टम में ये बताया भी गया था कि मदरसा और संस्कृत के स्कूल के शिक्षकों को ये मिलने वाला है, बट सरकार की नाकामी की वजह से अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया। उसके बाद देख सकते हैं कि बजट प्रोविज़न ना होने पर असातिज़ा किराम ने गम गुस्सा का इजहार किया। चूँकि बिहार मदरसा और संस्कृत शिक्षक संघ के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुहिब्बुल हक साहब और जनरल सेक्रेटरी शोभा कांत की मुश्तरका और भरपूर कोशिश जारी है। आपको पता है कि शोभा कांत और सैयद मुहिब्बुल हक साहब जो है लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं कि मदरसा और संस्कृत के स्कूल के शिक्षकों को किसी तरह भी पेमेंट मिल जाए। क्योंकि जवाहरलाल झा का जो केस था, आपको पता है कि पटना में वो केस समाप्त हो चुका है, बट सरकार की नाकामी की वजह से आपका पेमेंट नहीं आ रहा। उसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों जनरल सेक्रेटरी के कोशिशों को बैठक में काफ़ी सराहा गया। उसके बाद संघ 1128 मदरसा के वस्तानिया मायार के सदर मुदर्रिस का ग्रेट पे में सुधार और मुरखा यकुम अप्रैल 2013 से रुके हुए इंक्रीमेंट को चालू करवाने और हफाज किराम के तनख्वाहों में सुधार और प्रमोशन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं।
देखिए यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि 1128 वाले का पेमेंट हो या फिर 2013 से जो उनका रुका हुआ पेमेंट है या फिर हुफाज किराम जो हाफिज लेवल पे जिनकी बहाली हुई थी उनको पेमेंट काफ़ी कम मिलती है, तो उसको लेकर भी वहाँ पे बात हुई कि पेमेंट को बढ़ाया जाए और जो है उसमें कम अज़ कम वो सब असाज़ा किराम का प्रमोशन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि 15 फरवरी 2011 के बाद फुकानी और मौलवी मायार के मदारिस में बहाली, क्लर्क और प्यून के तनख्वाहों में सुधार। आपको पता है कि 2011 के बाद जो प्यून या फिर क्लर्क की जो बहाली हुई थी फुकानिया और मौलवी लेवल के मदारिस में, वहाँ पर भी प्यून और क्लर्क को सैलरी काफ़ी कम दी जाती है, तो वहाँ पर भी उसको भी सुधार किया जाए और पेमेंट को बढ़ाया जाए। यानी कि उसके बाद यहाँ पे देख सकते 1128 कैटेगरी मदारिस में यकुम सितंबर 2013 से बहाल असाज़ा 205 और 609 कैटेगरी मदरसा के, यानी कि इसमें काफ़ी बड़ा पैराग्राफ इसमें बताया गया, मैं आपको पूरा इसमें समझा देता हूँ। यानी कि अलग अलग तरीके से वहाँ पे मांग की गई और सैयद मुहिब्बुल हक साहब और जो है शोभा खान दोनों के को काफ़ी सराहा गया कि उन्होंने काफ़ी मदरसा और संस्कृत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों लोग लगातार लड़ रहे हैं सरकार से, मांग कर रहे हैं कि सरकार इनको पैसा जल्द से जल्द मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को पेमेंट दे दे, क्योंकि मीटिंग में काफ़ी लोग थे। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मदरसा वहाँ पर जो मीटिंग हुई, मीटिंग में काफ़ी आज की बैठक में काफ़ी तादाद में ज़िला के असातिज़ा किराम ने शिरकत की, बहुत सारे असातिज़ा किराम आए और मीटिंग में यही फैसला लिया गया सरकार जो है जल्द से जल्द पेमेंट जारी करे जवाहरलाल झावा का, क्योंकि अगर पेमेंट सरकार जारी नहीं करती है तो फिर से मांग की जाएगी या प्रोटेस्ट शुरू किया जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल झा वाले असातिज़ा किराम भी अब हार मान चुके हैं। लगातार जो है मेहनत कर करके काफी सालों से लगातार जो है एक उम्मीद पर बैठे हुए थे, बट अब उनको कोई उम्मीद नहीं हो रही है। असातिज़ा किराम की यही मांग है कि सरकार 2025 से पहले पेमेंट जारी करे, अगर पेमेंट नहीं करती है तो नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया जाएगा। ये जवाहरलाल झा के असातिज़ा किराम का यही अब जो है नारा है कि वोट के लिए आपको जो है पेमेंट जारी करना होगा। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जवाहरलाल झा का जो फिक्सेशन का जो काम था वो लगभग जो है 28 जिला में हो चुका है। अभी आपको पता है कि 10 जिला और बाकी 38 जिला टोटल है, 10 जिला में काम चल रहा है। ये सब 10 जिलों में भी लगभग 30 से 40% काम हो चुका है फिक्सेशन का। ये सब काम कंप्लीट होगा उसके बाद जो है आपका पेमेंट आपके अकाउंट में जारी किया जाएगा। अब आपको वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो वादा किया था, पटना हाईकोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि जवाहरलाल झा का पेमेंट आ जाना चाहिए, अभी तक तो बिल्कुल आना चाहिए, बट सरकार की नाकामी की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कम अज़ कम जो है असातिज़ा किराम का थोड़ा ही पेमेंट बढ़ सरकार जल्द से जल्द जारी करे। अगर इस बीच और कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर